सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है जिसको सिंगल साइन थीटा के क्रम में या सिंगल कॉस थीटा के क्रम में लिखा जा सके उसको हम क्या कहते हैं भैया, या उसका ग्राफ कैसा हो, इस तरीके से या इस तरीके से। ठीक है भैया, ये हो गया, इसे सिंपल हार्मोनिक कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि क्या बता रहा हूँ, चलो ठीक मुझे बात। तो एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, इक्वेशन इक्वेशन भी देखिए, जो चीजें भूलने वाली वही रिपीट करो, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये पार्टिकल ऐसे आ रहा है, याद है, तो मान लीजिए किसी टाइम पर कितना एंगल बना लिया, ओमेगा टी, यहाँ पर टाइम क्या था, टी। ओमेगा क्या, इसकी यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, ओमेगा हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, ये क्या है, ए, इसको रिजॉल्व कीजिए, एक्सप्रेशन क्या होगा, ए क्या होगा भैया, एक्सप्रेशन क्या होगा, ए कॉस ओमेगा टी, मेरी वाई एक्सप्रेशन क्या होगा, साइंस साइंस ए आई साइन ओमेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, ये पोजिशन होगी, आप पोजिशन के लिए ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, मर्जी अपनी। ठीक है, अब पार्टिकल चल रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, देखिए एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये आप जब वेब पढ़ोगे ना तब आपको ये चीजें समझ आ रही। यार बहुत ज्यादा आज इसमें, अब मैं थोड़ी देर धीरे चल लेंगे, देखिए भैया, अब हमने पोजीशन देखा था, क्या था, ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, बाय प्लेस जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, पहले मीन पे था, फिर एनर्जी लेकर के कहाँ गया, एक्सट्रीम पर, तो जा रहा, तो उसके मतलब उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी, डी वाई अपॉन में डी टी, ए बाहर आ गया, साइन का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और टी के अलावा जो भी चीज हो उसके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हुआ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, याद है, ये हो गया पार्टिकल की वेलोसिटी। फिर क्या होता है पार्टिकल का एक्सेलरेशन, क्या होता है, डी वी अपॉन में एक्सेलरेशन, क्या होता है, डी वी अपॉन में, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या हुआ, ए ओमेगा बाहर, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और टी के साथ कौन लगा है, ओमेगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये आ गया था एक्सेलरेशन, याद है, ये पार्टिकल की पोजीशन थी। इसका ग्राफ क्या था, याद है आपको, भाई प्लीज बोलिए यार, पुंडीर बातें नहीं सुनता, जब भी बाद में पूछूंगा तो फिर मार खा जाएगा, क्या क्या कर रही है, और तू क्या कर रहा है इसके साथ, मत देखना, वो गलत है सब कुछ, इधर देख, देखिए इसका मतलब पोजीशन का जो फंक्शन है वो प्लस ए और माइनस ए के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, और एक्सिलेशन का जो फंक्शन है वो क्या है, ये साइन की तरह ऑसिलेट कर रहा है, ये कॉस की तरह, और ये साइन की तरह, देखिए प्लस ए माइनस ए, साइन ग्राफ खींच दीजिए, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट किस टाइम को बताता है, जीरो जीरो टाइम को, ये पॉइंट किस टाइम को बताता है, टी बाय फोर को, ये पॉइंट किसको बताता है, टी बाय टू को, ये पॉइंट किसको बताता है, थ्री टी अपॉन में फोर को, ये टाइम किसको बताता है, कैपिटल टी को, जीरो कौन कह रहा था, देखो अभी, ठीक है, वेलोसिटी टाइम है, ये क्या है, वाई टी ग्राफ, क्या है ये, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, ए ओमेगा, और मिनिमम क्या होगी, माइनस ए ओमेगा, अपने को पता है प्लस कॉस की तरह इसके अंदर वेरिएशन हो रही है, तो प्लस कॉस कहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये हो गया, अच्छा ये जीरो टाइम को, ये टी बाय फोर को, ये और ये, समझ गए भैया, और फिर आपका आता है ए टी ग्राफ, क्या आता है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, माइनस और प्लस ए ओमेगा स्क्वायर और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, टाइम माइनस साइन है, तो इसका ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ, ये हो गया, ठीक है भैया, तो इस चीज को ध्यान रखना, खैर अभी तो एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, अब अगले पेज पे आते हैं, मैंने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, बहुत खास हम खास नोट है, ठीक है, ये दो पॉइंट है जिनके बीच में ए पॉइंट और
और ये क्या भी है, बी पॉइंट है। मैंने इसको क्या किया, एनर्जी दे दी। क्या दे दी, एनर्जी दे दी, और ये पार्टिकल ने एनर्जी ली। मतलब समझे, एक बॉल आ रही है बैट की तरफ, बैट से बॉल लग गई, जिस वक्त लगी क्या उसी वक्त बॉल ने पोजीशन कवर कर ली थी। जिस वक्त बॉल और बॉय टकराए आपस में, उस वक्त बॉल के पास क्या थी, मैक्सिमम एनर्जी थी। है ना आपको, जब बॉल और बैट का सम्मेलन होता है तो उस इंस्टेंट पर आपकी बॉल के पास एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। क्या होती है, और मैक्सिमम काइनेटिक मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी। जिस वक्त बॉल बैट से लगती है, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, बॉल चली नहीं है अभी, समझ गया, केवल हमने उसको एनर्जी दी। तो हमने क्या किया, इसको एनर्जी दी, पीट दिया इसको, ड्रम ड्रम को पीट दिया था, इसको पास एनर्जी आ गई। ये क्या है, ए पॉइंट है। क्या है ये, मान लो इसको मैं देता हूं, ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पेपर है। अगर मैं फर्स्ट की बात लिखूं, ध्यान दीजिएगा भैया, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट के, इसे क्या कहते हैं, मेन पोजीशन, क्या कहते हैं इसे। तो एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पर, एनर्जी क्या होगी, ई फोर एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम। अच्छा, इस वक्त पार्टिकल वहीं पर है तो पोजीशन क्या होगी इसकी, जीरो। टाइम ग्राफ देख लीजिए, वहां पर आपकी पोजीशन क्या थी, जीरो थी। पोजीशन टाइम ग्राफ में जीरो टाइम पर, ये टाइम कौन सा है, जीरो है। ये किस टाइम की बात कर रहा हूं, जिस वक्त मैंने एनर्जी दी है, उस वक्त एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। वाई क्या होगा, जीरो, क्योंकि पार्टिकल अभी भी बॉल बैट के साथ ही अभी अटैच नहीं। अच्छा, वाई जीरो होगा तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो। कौन सा फोर्स है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। अब क्योंकि आपको पता है फोर्स इक्वल्स टू में क्या होता है, माइनस के वाई होता है। क्या होता है, वाई जीरो, तो फोर्स भी क्या होगा, समझ गए भाई। अच्छा, फोर्स जीरो होता है, पार्टिकल का एक्सीलरेशन भी क्या होगा, तो जीरो टाइम पर आप देखोगे आपको वाई भी जीरो मिलेगा, आपको वेलोसिटी क्या मिलने वाली है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू अभी आप देखो, एनर्जी मैक्सिमम, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम। और उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ए ए ओमेगा, क्या होगी, प्लस ए ओमेगा। आपको पता फोर्स जीरो है क्योंकि वाई जीरो है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, तो फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। आप देखोगे जीरो टाइम पर ये मैक्सिमम नहीं मिलेगा आपको, वाई जीरो मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, जीरो। देख लो ग्राफ में, पीछे देखो, देखो जीरो टाइम पर पोजीशन जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, समझ गए भैया। आगे ग्राफ में आगे बढ़ो, नहीं अब नहीं जा सकती, पहले जाना था, अब क्लास चल रही है, अब नहीं जान दूंगा, ठीक है। अब ये पार्टिकल ने एनर्जी ली, अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर, कहाँ पहुंच गया, छी, पहुंच गया सेकेंड पॉइंट पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, कहाँ पहुंच गया। अब सेकेंड पॉइंट की बात करता हूँ, सेकेंड पॉइंट बोलो तो एक्सट्रीम पोजीशन। टाइम क्या है यहाँ पर, टी बाय में फोर है, ध्यान दीजिएगा, समझ गया। इस वक्त अगर मैं अच्छा यहाँ पर एंगल भी बता दूं, तो एंगल इस वक्त क्या होता है, जीरो होता है। थीटा क्या होता है, जीरो होता है, कोई फेस कवर नहीं होता इसमें। अच्छा, जब मैं एक्सट्रीम पर पहुंच गया, टाइम ये हो गया, ठीक है, तब देखिए एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी ऊपर क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी, रुक जाएगा ना पार्टिकल, क्योंकि अगर ये एक्सट्रीम नहीं होता और यहाँ पे पार्टिकल रुका नहीं होता तो और ऊपर जाता अभी, ऐसा तो हुआ नहीं, मतलब रुक गया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। काइनेटिक भी क्या होगी, जीरो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। वाई क्या हो जाएगा भैया, मैक्सिमम, मैक्सिमम बोले तो प्लस ए, ठीक है। अच्छा, वाई अगर मैक्सिमम हो गया तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा। रीजन पता क्या, क्योंकि ये नीचे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो कहाँ लग रहा था, नीचे, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्या होगी। इस टाइम पे देखना तो आपको एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मिलेगा ग्राफ में, ठीक है, और कुछ समझ गया। अच्छा, अब क्या होगा, ये पार्टिकल वापसी आया, नीचे आया, है ना, ये ऊपर जा रहा था, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा था, नीचे। अब क्या होगा, पार्टिकल सेकंड से कहाँ आएगा, थर्ड पॉइंट पर कहाँ आएगा, अब मैं मतलब बना नहीं रहा, मैं अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर कहाँ आएगा, थर्ड पॉइंट क्या है भैया, मीन ही है, क्या है, थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। एक लड़का आकर के इसने पूरी मीटिंग कैसी तैसी कर दी है। अब बस संप्रीत है के,
बारहवीं का तू यहाँ पे लेवल में क्या कर रहे रिवाइज रिवीजन करने आया हूँ। पूरी मीटिंग खराब कर दी यार, 40 मिनट चलेगी अभी पूरी। ठीक चला है, कहाँ गया पे आ गया? मेन पोजीशन पर कहाँ गया? टाइम बिल्कुल। क्या है भैया? टी टाइम क्या आ गया? टी। और आपको बताओ टी टाइम पर एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। कहाँ गया? यानी पाई गया ना पार्टिकल, फिर वापसी आ गया वहीं पे। तो 180 डिग्री ऊपर जाने पर एंगल क्या होता है? 90। नीचे आने पर क्या होता है? फिर 90। तो क्या हो गया? 180। एनर्जी क्या होगी फिर दोबारा जमीन पर आ गया तो? मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। लेकिन इस बार पार्टिकल कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? तो वेलोसिटी नीचे आ रही है तो नेगेटिव साइन, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ऊपर की वेलोसिटी आपने क्या लिया? प्लस ओमेगा, तो नीचे की वेलोसिटी क्या लोगे? माइनस ए ओमेगा। ग्राफ में देखोगे तो माइनस ए ओमेगा दिखने वाली है आपको। ठीक है, समझिए। वाई क्या होगा भैया? वाई क्या होगा? जीरो। वाई क्या हो जाएगा? क्योंकि मीन पर आ गया वाई, तो जीरो ना, है ना। फोर्स भी क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ये सारी चीजें आपको ग्राफ में जीरो मिलने वाली है। तो देखिए अब आते हैं भैया, कहाँ आएगा? फोर्थ पॉइंट पर। कहाँ आएगा? फोर्थ पॉइंट पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। कहाँ आएगा? टाइम कितना है? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहाँ पे आ गया? एक्सट्रीम पोजीशन पर। टाइम कितना हो गया? थ्री टी अपॉन में फोर, थ्री टी अपॉन में फोर। और एंगल कितना हो चुका है? 270 डिग्री का। कितना हो गया? अब एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ठीक है, वेलोसिटी जीरो होगी। वाई क्या होगा? नेगेटिव है, अभी नीचे आया ना, नेगेटिव है। ठीक है, नीचे आ गया। वहां फोर्स क्या होगा इस बारी? पहले नेगेटिव था फोर्स, देखिए जब पार्टिकल नीचे आया तो फोर्स कहाँ लगने लगा? ऊपर। नीचे लगने वाला फोर्स हमारा क्या था? नेगेटिव। तो ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव। अब फोर्स पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। प्लस ए ओमेगा, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर एक्सीलेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब लास्ट में वापसी है कहाँ रहे? फिफ्थ पॉइंट पर। कहाँ रहे? पार्टिकल यहाँ पे आएगा, यहाँ से चलते हुए फिफ्थ पॉइंट ऊपर जा रहा है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट पे। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट यानी मीन पर वापसी आ गया। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, लास्ट पॉइंट की। यहाँ पर आपका मेन पोजिशन वापसी आ गया, मैं है ना। टाइम क्या हो गया? स्मॉल डी की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल डी, टी बाय टू है। स्मॉल डी इक्वल्स में टी बाय में 40, ये हो गया। ठीक है, थीटा क्या हो चुका है? 360 डिग्री का। एनर्जी फिर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? प्लस ए ओमेगा। ठीक है, अच्छा वाई क्या हो गया? जीरो। फोर्स क्या हो गया? जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। ये सारी चीजें आपको जीरो मिलने वाली है। ठीक है भैया, ग्राफ में भी देखोगे आपको सेम चीजें मिलने वाली है। फिर एक टेबल बनती है। ठीक है, तो यहां पर एक टेबल बना देते हैं। ये टेबल है, अच्छी बात हो रही है भाई। ठीक है, ये है आपका टाइम, ये है आपका एंगल, नहीं सॉरी एंगल तो समझ जाओगे आप। ठीक है, ये आपका पोजीशन वाई, ये है आपका वेलोसिटी, और ये है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले जीरो टाइम था, फिर टी बाय में फोर था, फिर थ्री टी अपॉन टी बाय में टू है ना, टी बाय में टू था, फिर थ्री टी अपॉन में फोर था, और फिर कैपिटल डी। इस पर देखिए ध्यान दीजिए, वाई के लिए क्या खींचा था? साइन ग्राफ, बस सीधा जीरो ने बोलना। जीरो ये क्या था? प्लस ए, फिर ग्राफ क्या था? फिर जीरो पे, फिर माइनस ए, फिर जीरो। वेलोसिटी के लिए क्या था? देखिए जब मैक्सिमम वेलोसिटी थी तो यानी क्या हुआ? प्लस ए ओमेगा, ए ओमेगा, फिर क्या हुआ? जीरो। फिर क्या होगा? माइनस ए ओमेगा। ठीक है, फिर जीरो, फिर प्लस ए ओमेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव से स्टार्ट होता, नहीं जीरो से, जीरो से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या होगा? जीरो।
फिर क्या होगा, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या होगा, जीरो। ये टेबल थी, समझ गया भैया, आते क्वेश्चन पे। ठीक है, आज जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत खास, हम खास सोनी ठीक जो मेरे को पसंद नहीं है तू वही करता हर रोज, अब करने लगा, पहले नहीं करता था तू ऐसा, पहले तेरा पूरा टेंशन मेरी बात पे ही होता था, यही चीजें ने तेरे को पिछले टर्म में बच्चों से सेकंड थर्ड पे ला दिया था, फर्स्ट से हो सकता फेल ना करवा दे। कह रहे भैया राइट डाउन द एक्स प्रोजेक्शन एंड वाई प्रोजेक्शन, वैसे एक्स प्रोजेक्शन पूछ सकता है, मैं दोनों प्रोजेक्शन लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन 3 नंबर में आते आते, डायग्राम देख के हो सकता है आपकी हवा टाइट हो जाए, लेकिन इसकी औकात तो 1 रुपए की भी नहीं है। ये पार्टिकल कैसे घूम रहा है, इसमें पार्टिकल कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है, जीरो टाइम पर इसका एंगल कितना था, 45, यानी पाई बाय 4 क्या था, मैंने मान लिया टी टाइम में चलता चलता यहाँ पे आ गया, टी टाइम में यहाँ पे आ गया, कितना एंगल कवर किया होगा, ओमेगा टी, कितना क्या होगा, तो इसका पूरा एंगल कितना हो गया, तो ये एक्स प्रोजेक्शन होता है और ये क्या होता है वाई प्रोजेक्शन, तो भैया इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, क्या है, तो आपको पता है भैया वाई प्रोजेक्शन क्या होता है, ए साइन, एंगल कितना है इसका, ओमेगा टी प्लस, ओमेगा टी प्लस पाई बाय, लेकिन अभी यहां पर आपको टी की वैल्यू भी दे रखी है, तो इसको कहाँ यूज करो, तो हमें जानते हैं भैया एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो यहां पर थोड़ा और कलाकारी करते हैं, वाई की वैल्यू क्या रखी है अपनी, ए साइन ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस पाई बाय 4, ठीक है भाई, तो अपने का पता है कि भैया कैपिटल टी की वैल्यू क्या रखी है, 4 सेकंड, मतलब एक साइकिल कितने देर में हो रही है, इसे 4 सेकंड में हो रही है, तो ए साइन 2 पाई कैपिटल टी की वैल्यू क्या, 4 टी प्लस पाई बाय 4, ये आंसर आ गया, वाई प्रोजेक्शन आ गया, क्या आ गया, और एक्स प्रोजेक्शन क्या होगा, बिल्कुल सेम यही होगा, बस कॉस लिखा जाएगा यहाँ पर 2 पाई, एंगल सेम ही रहता है, आपको याद होगा तो समझ गया। अब इस वाले में देखो, ये पार्टिकल कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये कहाँ पे था, 0 टाइम पर 90 पे बैठा था, ये मीन होती है ना मीन पोजिशन, मीन पोजिशन से 90 डिग्री दूर पर था, ये घूमता हो मान लीजिए यहाँ पे आ गया, कितना एंगल कवर किया इन्हें, ओमेगा टी, कितना किया टी टाइम में, तो अपने को पता ट्राइंगल तो अपना ये बन रहा है, तो कितना होगा पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, बोलो हाँ, कैसे ये पूरा एंगल कितना है पाई बाय 2, क्या है, जब ओमेगा टी नीचे आ गया तो नया ट्राइंगल का एंगल क्या होगा, तो वाई क्वेश्चन क्या होगा, वाई कोस में बी, ये बी है क्या है, तो बी साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, तो बी साइन पाई बाय 2 एज इट इज लिख दो, ओमेगा का लो क्या 2 पाई कैपिटल टी, कैपिटल टी की वैल्यू यहां पर रखी है 30 सेकंड, 30 सेकंड यहां पर नहीं रखी, वैसे रखी है एनसीईआरटी में, यहां पर लिख दो 30 सेकंड, हो गया। एक्सप्रेशन देखो, एक्स क्या होता है, बी कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई अपॉन में 15 हो जाएगा क्योंकि कटा देना, तो ये एक्सप्रेशन हो गया, समझ गया भैया, खत्म। अभी देखिए, कह रहा है आपको वाई ये रखा है, क्या रखा है, आपको क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, टाइम, 3 नंबर क्वेश्चन है, और माउंट एलिवेंट में पक्का आता है क्वेश्चन, ठीक है, एम्पलीट्यूड अगर देखिए तो वी नो सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन में देखेंगे तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल्स टू में ए ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई नॉट, याद है, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन कंपेयर, तो ए क्या एम्पलीट्यूड है उसकी जगह पे क्या आ, तो पहला आंसर आ गया 10 मीटर, क्या आ गया, हो गया, दूसरा क्या है, अगर कंपेयर करोगे तो ओमेगा टी पे क्या यहाँ पे, तो ओमेगा टी बराबर में क्या हो गया 20 टी, टी से टी कैंसिल हो गया, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, तीसरा क्या निकालना है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन में टी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन में टी, तो टाइम क्या होगा, ठीक है, तो 2 पाई ओमेगा कितना रखा भैया 20, तो पाई बाय 10 रेडियन सॉरी सेकंड, चौथा चौथा क्या बोल रहा है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकला पाई नॉट, क्या बोल रहा है पाई नॉट क्या होगा भैया, पाई नॉट क्या होगा, आंसर आ गया खत्म, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो 10 बाय में पाई हर्ज, हो गया।
आगे बढ़ते हो। कह रहे भैया आपको इक्वेशन दे रखी है जिसमें टाइम क्या है सेकंड में और डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया मीटर में, आपको क्या निकालना है, पोजीशन है टी इक्वल टू जीरो, क्या निकालना है सॉल्यूशन। तो वाई एट टी इक्वल टू जीरो पर आपको वाई निकालना है, ठीक है। तो ये क्या होगा 5 cos, ये क्या होगा 2 pi, टाइम कितना पर तो 0, और ये क्या होगा पाई बाय 4। इसको सो अच्छी सी वाई कॉस में क्या होगा 5 cos, ये क्या हो 0, तो पाई बाय 4। पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2, तो 5/√2 मीटर क्या आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, क्या आ गया पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, टाइम पीरियड निकाला, तो भैया कुछ नहीं करना, ओमेगा टी बराबर में किसके बराबर रहेगा 2 pi t, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओमेगा टी किसके बराबर रहेगा, टी से टी क्या होगा कैंसिल, ठीक है। और ये क्या होता है ओमेगा का, तो 2 pi/T, 2 pi ये कैंसिल हो गया, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई 1 सेकंड, क्या आ गई हो गया। फिर क्या कह रहा है वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0 सेकंड, मतलब नहीं, ओए या तो ये बोलेगा सीधा इनिशियल वेलोसिटी, समझ जाना भैया टाइम जीरो की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी निकाल लिया, उसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, क्या होगा 5 बार कॉस का डिफरेंशिएट क्या माइनस साइन एंगल, ऐसे लिख दीजिए क्या होगा 2 pi t + π/, और आपको मैंने अभी बताया थोड़ी पहले कि पीछे किसकी मल्टीप्लाई करनी है जो टाइम के साथ होता है, क्या आया टाइम के साथ 2 pi, बस खत्म हो गया। तो वेलोसिटी वी टी क्या आएगा, ये क्या होगा -10 π sin 2 pi t + π/4, अपने कब निकालनी है t इक्वल्स टू 0 पर, 0 पर रखो 0 तो क्या होगा वेलोसिटी है, t इक्वल्स टू 0 पर निकाल रहे तो क्या होगा -10 π, और यहां से साइन पाई बाय, ये 0 हो जाएगा पूरा 0 के साथ ही, तो क्या होगा π/√2 m/s, वेलोसिटी आ गई। फिर आपको क्या निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है टाइम 0 पर, तो इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करो इसी को, तो क्या होगा -10 π क्या होगा बाहर, साइन का क्या होगा cos एंगल 2 pi t + π/4, और आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 2 pi से जो लिखा हुआ टाइम के साथ, तो लिख दिया एक कोस्ट में 20 π² cos 2 pi t + π/4 एट टी कोस्ट टू 0 पर, कब निकालना 0 रखोगे तो क्या होगा -20 π² और cos पाई बाय क्या होता है √2 m/s², ये आ गया आपका एक्सेलरेशन, गया कोई दिक्कत तो नहीं है। आसान है क्वेश्चन, ऐसे आते क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं आते हार्ड, ठीक है। अगला क्या कह रहा है भाई, आपको देखा है इतना, आपको निकालना है फाइंड, आपको ये प्रूफ करना है कि इक्वेशन कैसी है, सिंपल हार्मोनिक है, और आपको आर और थीटा निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए, अगर आपको इसको सिंपल हार्मोनिक रिड्यूस करना है, प्रूफ करना है, तो सिंगल साइन या सिंगल कॉस के टर्म आनी चाहिए, उसके लिए मैंने आपको रिडक्शन मेथड बता रखा है। तो मैंने लेट कर लिया, लेट 6 बराबर में साइन है कॉस लगा दो, आर कॉस थीटा एंड कॉस है साइन नहीं है, तो 8 बराबर में क्या हुआ आर साइन थीटा, ठीक है। तो देन वाई कैन बी रिटन एज क्या होगा 6 की जगह पे क्या होगा आर कॉस थीटा, और ये क्या होगा साइन 10 π t + r sin θ cos 10 π t, इसको कॉमन ले लीजिए बाहर आर आ गया, cos θ sin 10 π t + sin θ cos 10 π t, किसका फॉर्मूला है कॉस ए साइन ए साइन बी कॉस ए, ठीक है। तो वाई कोस्ट में आर साइन साइन 10 π t + θ, ये हो गया सिंपल हार्मोनिक। सो इक्वेशन इज सिंपल हार्मोनिक इन नेचर, ठीक है भैया। नाउ कैलकुलेशन फॉर आर, अब आर निकाल रहे हो, आर मतलब इस जो रिजल्ट वेव आई है उसका एम्पलीट्यूड, जो रिजल्ट वेव आई है उसका, तो भैया ये होगी पहली इक्वेशन और ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। और नाउ ऑन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कीजिए, पहली इक्वेशन का स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन में स्क्वायर कीजिए और उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो पहली इक्वेशन का स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे 36, और क्या होगा आर स्क्वायर cos² थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 64,
आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 100 आ गया, और यहां से आर स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मन हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 10, क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गई, क्या आ गई। और अपने को क्या निकालनी है, थीटा, तो नाउ डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो क्या हुआ, है 8/6, और क्या होगा, आर साइन थीटा अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल हो गया, टैन थीटा बराबर में क्या हो गया, 4, तो तो क्या क्या हुआ, लाख तो रोजी होती है, इतनी होगा, शिद्दत के साथ। देखिए बच्चा 90% डिप्रेस होता है इसी सब्जेक्ट की वजह से, फिजिक्स की वजह से, पढ़ लो अच्छे से, कोई डिप्रेशन नहीं, बाकी सब्जेक्ट अच्छे से कर लो, क्या दिक्कत है। सातवां, वो बोलते रहो, छुट्टी जब होगी तो पूरा पेपर खत्म होगा, मतलब ये आपको एक्स दे रखा है, आपको एक्स दे रखा है 10 sin ωt, इसका जो टाइम पीरियड रखा है क्या है, 10 सेकेंड है, क्या है, 10 सेकेंड है, ठीक है। आपको क्या निकालनी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है टी इक्वल्स टू इतना, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल है टी इक्वल्स टू में इतना, तो अब देखिए भैया क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, dx अपॉन में ct, x को करोगे 10 बाहर, साइन ओमेगा, साइन को क्या होगा कॉस ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा की मल्टीप्लाई जाएगी, आपको याद है, तो 10 ω कॉस ओमेगा टी, 10 ω का तो 2π अपॉन में कैपिटल टी, ओए बोल लो, आधे घंटे और छुट्टी हो जाएगी लेट, कॉस ओमेगा का होता है 2π अपॉन में कैपिटल टी इनटू में स्मॉल टी, कोई दिक्कत तो नहीं है, डालो वैल्यू, आंसर निकालो, आंसर एट टी इक्वल्स टू कब निकालना है, 2 पर 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर आपका क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू में 10 2π, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी रखी है, 10 सेकंड, कॉस 2π 10, और कब निकालनी है, 2 सेकंड पर, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, कर लो घर पर। दूसरा एक्सेलरेशन निकालो, क्या निकाल लो, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डबल डिफरेंशिएशन, तो वेलोसिटी का एक ही है, एक ही है, 10 ω बाहर गया, डीवी अपॉन में डीटी, 10 ω बाहर, ठीक है, और कॉस का क्या होता है, माइनस ओमेगा टी, और ओमेगा से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो -10 ω² sin ωt, -10 ω का 2π अपॉन में कैपिटल टी स्क्वायर, और साइन 2π कैपिटल डी इनटू में स्मॉल डी, हे भैया अब देखिए भैया सारी वैल्यू देखिए, -10 2π अपॉन में कैपिटल डी क्या है भैया, साइन 10 सेकेंड गुणे में 2, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ गया आपके, ठीक है। ये है सबसे टॉप का क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन के ना सबसे ज्यादा एडवांस का है, देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा भैया आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको ये, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, क्या है, y cos में a sin 2π t, क्या है, चलो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन से अभी क्वेश्चन पे नहीं आ रहा मैं, अभी पहले इस इक्वेशन से मैं टाइम पीरियड निकाल लेता हूं, तो टाइम पीरियड क्या होगा, नाउ अपने को पता है ओमेगा टी किसके बराबर होगा, 2π अपॉन में कैपिटल टी के, स्मॉल टी के, बोला हाँ, अब ये जो ये होगा ये ओमेगा टी तो होता है, टी से टी क्या हुआ कैंसिल, ओमेगा होता है 2π अपॉन में कैपिटल टी, अरे 2π, ठीक है, 2π से 2π क्या हुआ कैंसिल हुआ, टाइम क्या होगा 1 सेकंड, यानी जो ये इक्वेशन है ना उसकी एक साइकिल कितनी देर में होती है, 1 सेकंड, एक साइकिल का मतलब होता है कि पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया फिर नीचे गया फिर ऊपर आ गया, अगर ये सब चारों काम में 1 सेकंड लग रहा तो एक काम में क्या हुआ, 1/4, समझ गए, बस यही कहना था, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे बना लो डायग्राम में, पार्टिकल ऊपर गया नीचे आया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो यहां से इसमें कितना टाइम लगा, 1/4 सेकंड, इसमें भी कितना लगा, 1/4 सेकंड, इसमें कितना लगा, 1/4 सेकंड, इसमें कितना लगा, कुल कितना टाइम हो गया, 0, और यहाँ पे क्या हुआ, 1 सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है,
रहे भैया एक पार्टिकल था जिसको एनर्जी देने के बाद वो कहाँ गया, उसका टोटल एम्पलीट्यूड कितना है? ए है। क्या है? वो इतने ऊंचाई तक जाएगा, लेकिन वो ए बाय टू तक, वो दो पॉइंट पे जाता है, पहले ए से, सॉरी ए ए मत लिखो इसको, कुछ और लिख दो, वो पी से क्यू पे जाता है और फिर क्यू से आर पे जाता है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ए। क्या है? यहां से यहां तक की दूरी क्या है? ए बाय में टू, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? ए बाय में टू। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? पी से क्यू तक की दूरी कितनी है? ए बाय में टू। क्यू से आर तक की दूरी क्या है? ए बाय में टू। और पी और आर के बीच की दूरी क्या है? ए। कह रहा है ये जाने में टाइम कितना लग रहा है? टी वन। और यहां पे जाने में टाइम कितना लग रहा है? टी टू। समझ गया? तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ, इन दोनों का रेशियो निकालिए। जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है, दिमाग लगेगा इसमें। अब देखिए, तो मैं कर रहा हूं नाउ पी टू, अपने को पता है कि हेयर, एक एक इक्वेशन बना लो, हेयर क्या टी वन प्लस टी टू किसके बराबर होगा? ए वन बाय में 4 सेकंड की, बोलो। हाँ अब केवल ऊपर गए, ये यहाँ पे टाइम 0 होता है, यहाँ पे टाइम आते आते कितना होगा? 1/4 सेकंड तो होगा, है ना? समझ गया? केवल एक डंडे की बात कर रहा हूँ, एक और एक डंडे चाहे किसी भी, ठीक है? तो आधा गया फिर आधा गया, कुल टाइम कितना होगा? 1/4 सेकंड हो गया। अच्छा टी वन प्लस टी टू कितना हो जाएगा? 1/4 सेकंड। चलो हम बात कर रहे हैं पी टू क्यू की, किसकी बात कर रहे हैं? तो वाई कोस्ट में आपको इक्वेशन क्या देखिए, ए साइन ओमेगा टू, सॉरी साइन टू पाई टी। अच्छा एक चीज देखिए, पी से क्यू में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, पी से क्यू का जो डिस्प्लेस वाई की वैल्यू थी कितनी थी? ए बाय में टू। भैया यहाँ पर रखिए, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है, हर टाइम पे इसकी वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है, लेकिन जब पी से क्यू में था तो वाई की वैल्यू क्या थी? ए बाय में टू। ए साइन टू पाई, और टाइम कितना लगा? टी वन लगा। टाइम कितना लगा पी से क्यू में जाने में? टी वन। तो ये ए से क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो साइन इधर आया, तो क्या हुआ? साइन इनवर्स 1/2, 2π T1, 2π क्या? हाँ बहन यहाँ पे बैठी हुई है, बहन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, कोई बोले ना बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाई तो रहा हूँ, मैं कौन से यहाँ पे खाली बैठा के बैठा रखा है क्या किसी को? अगर खाली बैठा रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आपके नोट चेक नहीं करूं मैं, नहीं करूं चेक, आपसे पूछ ही नहीं हूं, डाउट क्या है? आपसे मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सकता? टाइम लगेगा, मैं तो कभी इतना टाइम लेता भी नहीं हूं कभी, मैं तो 40 मिनट कुल क्लास लेता हूँ, वो तो आपकी वजह है, आपको आता रहता तो मैं दिखता ही नहीं, आपके काम कंप्लीट होता तो मैं चेक इन करता, छुट्टी आती तो 20 मिनट पहले, मेरी रिकॉर्डिंग हो रखी है इससे पहले की, लेकिन मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको अपनी दिक्कत दिखती है दूसरे वाले की दिखती है कि हाँ भाई वो वाला वो बंदा कैसे कर रहा है? क्लास है, कौन सी क्लास है? केमिस्ट्री क्लास है, जितनी शिद्दत के साथ वहां पे जाने की तैयारी कर रही है उतनी शिद्दत के साथ यहाँ पढ़ ले थोड़ी देर, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, साइन इनवर्स 1/2, साइन साइन 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे, इसमें होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री को रेडियन में लिखो तो क्या होगा? पाई बाय 6, क्या होगा? पाई बाय 6, ये 2π T1, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, पाई से पाई कैंसिल होगा, T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1/12 सेकंड, क्या आ गया? 1/12 सेकंड। तो आपको पता है वीनो T1, ध्यान दीजिए बेटा, T1 प्लस बराबर में 1/4 रखा है, तो भैया आपको पता है 1/12 प्लस T2 बराबर में क्या है? 1/4, तो T2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1/4 - 1/12, बोले तो 1/6 सेकेंड, तो देन T1/T2 क्या होगा? तो देखिए T1 की वैल्यू क्या रखी? 1/12, और T2 की वैल्यू क्या रखी? 1/6, उल्टा करेगा तो क्या होगा? 6 हो जाएगा, तो 1/2 आंसर आ गया इसका, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद जा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको क्या निकालनी है? पोजिशन की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा एक स्प्रिंग है, ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, मतलब मीन पोजीशन पे था स्प्रिंग, और इसके साथ एक मास अटैच्ड है 1 किलोग्राम का, ठीक है, हमने क्या किया, एक किलोग्राम के मास को इसकी मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर नीचे कर दिया,
छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये मां से ऊपर जाएगा, मीन पर आएगा, फिर मीन से ऊपर जाएगा, फिर मीन पर आएगा, क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा। क्या करेगा? जब इसको नीचे ले गए हम, छोड़ेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, मीन पर आएगा, फिर मीन से ऊपर जाएगा, फिर मीन पर आएगा, ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। तो कह रहा भैया जो ऑसिलेशन किया, वाई वाई की इक्वेशन लिखो, वाई क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, और क्या लिखना है, वेलोसिटी की इक्वेशन। वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये होता ना। चलो अब देखिए वैल्यू निकाल लीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए हम जानते भी है यहाँ पर अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर रखा, के की वैल्यू रखिए 50 न्यूटन पर मीटर, क्या रखिए, और डिस्प्ले आपने आपका जो ये जो नीचे खींचा ना आपने, एक्चुअल में एम्पलीट्यूड है क्या ये, क्योंकि तो इससे नीचे नहीं जा सकता, मीन से उससे ऊपर नहीं जा सकता, मतलब 10 सेंटीमीटर में क्या करे, ऑसिलेट करे, मतलब ये क्या एम्पलीट्यूड है, क्या ये, तो ए क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, बोलो तो 0.1 मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और मास कितना है भैया जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, 1 किलोग्राम, क्या है मास, 1 किलोग्राम। तो आपको अभी मैंने पूछा था एक फॉर्मूला, भाई ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा होता है अंडर रूट के अपॉन में, याद है, तो के कितना है 50 और एम कितना है 1, तो ओमेगा कितना आएगा 5 अंडर रूट में 2 और रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ गया। एम्पलीट्यूड आपको पता ही है 10 0.1, तो इक्वेशन क्या होगी, ए कितना है 0.1 साइन और ओमेगा क्या है 5 अंडर रूट में 2, ठीक, ये होगी आपकी इक्वेशन वाई के लोग। और फिर ये एक्सेलेरेशन क्या होगा, ए कितना 0.1, ओमेगा कितना है भैया 5 अंडर रूट में 2, कॉस ओमेगा कितना है 5 अंडर रूट में 2 इनटू में टी, ये होगी आपकी भैया वेलोसिटी की इक्वेशन, ठीक है भाई। पहले बता रहा हूँ इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, ठीक है, आज की क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन ही कराया मैंने उसमें, ठीक है, और नोट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है भैया। नोट्स नहीं कंप्लीट करने का मतलब है आप घर पे कुछ नहीं पढ़ रहे, जीरो पढ़ रहे, जीरो, ठीक है। और एक बात बता दे रहा हूँ, ऐसे नहीं आती फिजिक्स, जैसे आप पढ़ रहे हो ना वैसे नहीं आती, आप फिजिक्स नंबर नहीं ला सकते कभी भी, मत सुनो मेरी बात, करते रहो अपना काम। चलो टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत। जी।